Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. We are live now with Professor Dr. Malik Hussain Mubashir. He was very kind enough to spare some time for us today. मैं अगर कोशिश करूँ थोड़ा सा इनका तारुफ कराने की, हिज सीवी इज़ सो वास्ट दैट आई वॉज हैविंग अ बिट ऑफ ट्रबल ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं किस तरह से इनका तारुफ कराऊँगा. बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, प्रोफेशनली ही इज़ अ मास्टर ऑफ साइकाइट्री हु हैज़ नॉट ओनली बिन अ पायनियर इन द फील्ड इन दिस कंट्री बट हैज़ ऑल्सो ट्रेन्ड मोर देन 900 स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान. ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड इज़ अ प्रोमिनेंट फिगर अमंगस्ट द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन पाकिस्तान. इसके अलावा जो मेरा तारुफ जब इनसे हुआ तब मैं इनकी इस तरह की किसी भी क्वालिफिकेशन से वाकिफ़ नहीं था, वो तो मुझे सारा कुछ बाद में पता चला. तो मैं इनसे तब वाकिफ़ हुआ जब इन्होंने मुझे सुल्तान बाहू की शायरी सुनाई और इन्होंने अपना सफ़र मुझे बताया जिसमें इन्होंने अपनी जो एक स्पिरिचुअलिटी की तलाश थी उसके बारे में मुझे बताया और जो इन्होंने मुझे नसीहतें की जिनमें शायद कुरान की वो आयत जिसमें ये कहा जाता है कुलू कौलन सदीदा, अगर मैं सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये इन्होंने मुझे सिखाया था, मुझे बताया था कि हर मौके पे ज़िंदगी में इसका ख्याल रखना. तो इससे ज़्यादा तो शायद मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग सच रिच कॉम्प्लीमेंट्स नहीं, थैंक विच आई यू. डोंट डिजर्व। आई एम ए वेरी हम्बल ऑर्डिनरी रन ऑफ द मिल पर्सन। इट नहीं, इज अल्लाह ब्लेसेस ब्लेसिंग एक्चुअली ब्लेसिंग्स माशाल्लाह एंड माय माशाल्लाह. पेरेंट्स एफर्ट्स इन रेजिंग मी अप। नहीं, आई मीन आई कैन टेल दैट यू आर बीइंग हम्बल एंड मॉडेस्ट. तो ऑफ कोर्स जो लोग आपको जानते हैं दे वुड अग्री विद मी मोस्ट लाइकली. तो मैं आपसे डॉक्टर साहब आज इस बात से आगाज़ करना चाहूँगा हमारी गुफ्तगू का, अगर आपकी इजाज़त हो, कि वी लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड सडनली. जहाँ पर आज से कुछ महीने पहले या आज से शायद 6 हफ्ते पहले इस चीज़ को इमेजिन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली जाएगी. वी आर सडनली लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर हम सारे अपने घरों में कैद होके रह गए हैं. तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके ख्याल में क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी इन अ पोस्ट COVID-19 वर्ल्ड. देखें, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और मैं फिर वही जो आपने हज़रत सुल्तान बाहू की बात की थी उस पे जाऊंगा कि ये आजकल हू का आलम है। आप घर से बाहर निकलें, आप कहीं जाएं, वीरान है गलियां, बाजार, मार्केट, बहुत ही अजीब कैफियत है। जी और ये हमारे अपने अमाल हैं, तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है। अब हेल्थ की लोग तो ये तारीफ समझते हैं ना कि आपका ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। देर कैन बी नो हेल्थ विदाउट स्पिरिचुअल वेलबींग। यू कैन बी मेंटली वेल, यू कैन बी फिजिकली वेल, यू कैन बी सोशली वेल। सो आई थिंक वी हैव लॉस्ट आर पर हैप्स दैट्स वाई वी आर गोइंग थ्रू दीज टफ टाइम्स, बिकॉज वी वर डूइंग वेरी वेल। ज़रूरत थी कि इस स्टेज पे अल्लाह ताला ने थोड़ा सा झटका देना था, जो वो दे रहे हैं, हमें याद करा रहे हैं कि भूल गए हो,
किस जगह पहुंचे हुए हो, कम डाउन डाउन टू अर्थ, अंडरस्टैंड द रियलिटीज. हम तो सब भूले हुए हैं, अपने आप को भूल के लगे हुए हैं अपने काम में, मेकिंग मनी, जो इस वक्त बहुत कॉमन बीमारियां हमारी सोसाइटी में हुई हैं, वो अमेसिंग वेल्थ, बिल्डिंग रेपुटेशन, जेलसी, प्रेजुडिस, जिसको मैं जिन्हों को कहता हूँ जेलसीमिया, प्रेजुडोसिस, गॉसिपोसिस, हर जगह गॉसिप चल रही है. तो ये बीमारियाँ इस वक्त हमारे मुआशरे की हैं. इट इज़ जेलोसिस, गॉसिपोसिस एंड बीइंग प्री ऑक्यूपाइड, एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक अल्लाह हैज शेकन अस राइट नाउ. यू वेक अप, अपनी औकात वाली जगह पे आ जाओ, जिसको पंजाबी में कहा करते थे, मेरे वाल साहब कहा करते थे, बेटे आने वाली जगह पे आ जाओ. एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम. आई थिंक वी हैड लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद रियलिटीज एंड वी वर लिविंग इन आवर ओन वर्ल्ड. अल्लाह ने, अल्लाह हैज आइसोलेटेड अस. आई थिंक, आई होप इट ब्रिंग्स अ चेंज. आई यूज टू हियर द चाइल्डहुड के, आई थिंक इट वॉज इन 1920, अबाउट 100 years ago, जब मेरे पैदाइश से तो बहुत पहले, बट आई हर्ड फ्रॉम माई फादर के टाउन की वबा आई थी. जी बिल्कुल. एंड देवर नो प्लेसेस एंड देवर ग्रेव्स यार्ड्स ख़त्म हो गए थे. फिर लोगों ने गड़े खोद के उसमें मल्टीपल बॉडीज डाली. मैस बेरियल्स जो होते हैं. मैस, हाँ. वी वर, आई थिंक हम इन चीज़ों को भूल चुके थे. अल्लाह है सेंट अस ए रिमाइंडर. वो कहता है कि मैं तुम्हें याद कराऊंगा कि तुम्हारी औकात क्या है. आई थिंक दिस इज वॉट इट इज. इट इज टाइम टू सिट एंड रिफ्लेक्ट कि वेयर थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग. हु एम आई, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग एज ए सोसाइटी. हमारे जो आपस में मोहब्बतें, हमारे जो एक दूसरे का कंसर्न था, केयरिंग फॉर ईच अदर, वो सब खत्म हो चुकी है. आई थिंक इफ आई लुक बैक, आई एम नियरिंग 70 years of age, दिस वर्ल्ड इज ए वेरी डिफरेंट प्लेस फ्रॉम व्हाट आई सॉ 70 years ago. वी हैव फॉरगॉटन आवर वैल्यू सिस्टम्स, वी हैव फॉरगॉटन द रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप के बुजुर्गों के साथ कैसे डील करना है. हम तो बिल्कुल ईजी गो हुए हुए हैं. कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई सिमत नहीं है. वी आर लॉस्ट, वी आर एब्सोल्युटली लॉस्ट. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक अल्लाह प्रोबेबली गेव अस दिस शेकिंग के कम सिट, रिफ्लेक्ट एंड ट्राई टू फाइंड व्हाई थिंग्स आर गोइंग दैट वे. राइट. तो डॉक्टर साहब, I would probably, you know, want to ask another question. Just following that, obviously. कि आपने कहा कि ये मतलब सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्री आया है जिसमें हमें सोचना चाहिए कि हम किन किन हालात में हैं इस वक्त और क्यों यहाँ तक पहुँचे हैं, और उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करने की बजाय सबसे पहले अपने आप को देखना होगा, अपने नफ्स को देखें. बिल्कुल सही. तो नफ्सा नफ्सी का आलम था ना. जी जी जी. ये नफ्सा नफ्सी का आज से 3 महीने पहले क्या आलम था, आप जरा रिफ्लेक्ट करें. नफ्सा नफ्सी का आलम था. मैं बहुत जरूरी हूं, मैंने ये कहा, मैंने ये किया. वो मैं कोई ज्यादा हो गई तो अल्लाह मियां ने डिसाइड किया कि नहीं, आ जाओ अपने
वो पंजाबी में कहते हैं आने वाली थां थे, तो वो उसने हमें ला दिया। मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि कैसे कैसे लोग मैंने देखे हैं इतने खौफजदा हैं। आई डिडंट गो टू क्लिनिक फॉर अबाउट 2-3 वीक्स, लेकिन फिर मुझे लोगों के मैसेजेस आए कि ये बहुत अनफेयर है इस वक्त जबकि आपकी अशद ज़रूरत है और लोगों को सवियर किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, जहनी प्रॉब्लम्स हैं, इंसोम्निया है और ऑब्सेशनल न्यूरोसिस, ये जो कोरोनोफोबिया से लोग इतना हाथ धोते हैं कि आई हैव बीन सीइंग पेशेंट्स जिनके हाथ गल गए हैं धो धो के। वो समझते हैं कि, लेकिन हम भूल गए सब कुछ, अपना वैल्यू सिस्टम। डॉक्टर साहब, अगर मैं ये पूछूं कि देखिए, आप एक तो फिजिकल एस्पेक्ट है ऑब्वियसली इस चीज़ से डील करने का, यू नो यू टॉकिंग अबाउट, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, जो एक OCD इंसान को हो जाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, राइट। लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी के हवाले से भी बात कर रहे थे, जी जी तो हाउ डज वन फाइंड पॉजिटिविटी इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स? आई थिंक सबसे पहले तो एज आई सेड कि हमें रियलाइज करना चाहिए कि ये क्यों हुआ, इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट, ये सब कुछ क्यों हुआ। बिकॉज आजकल तो सो कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी, उसको पता नहीं क्या कहते हैं। पिछले दिनों मैंने GOTO पे भी एक प्रोग्राम किया। अब देखें, पीपल आर डेवस्टेटेड, डिस्गस्टेड, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड, लोनली, मिजरेबल, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट दे डोंट वांट टू मीट पीपल, नोबडी कॉल्स ऑन यू। ए यंग मैन लाइक यू हु इज डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब इन फॉरेन ऑफिस, ही केम यस्टरडे टू मी ऑन ए बाइसिकल and very talented man, studied like you in England. He came and he was not the same fellow. Bade logon mein tabdiliyan aayengi. I think Allah has given us a shake. I strongly believe ye uski marzi ke bagair ho nahi sakta. Across the globe ho raha hai ye. ये सिर्फ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ प्रॉब्लम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो क्या, सॉरी सॉरी, मैं बस ये जानना जरूर चाहूंगा कि इस मौके पे, इस हाल में, अगर आप सुल्तान बाहू से जाके पूछते कि क्या करना चाहिए। बस वो तो ये कहते हैं कि अंदर हूं ते बाहर हो, पत बाहु कितल बेंदा हो, हुदा दाग मोहब्बत वाला दम दम नाल सड़ेंदा हो, जिथे हो करे रुशनाई उतो दूर अंधेरा बेंदा हो, मैं कुर्बान तिना तो बाहु जरा हु नू सही करेंदा हो। और वैसे भी आजकल हु का आलम है, तो इसलिए हु को पहचानने की कोशिश करें। आपको पता है ना कि ये दुनिया जब क्रिएट हुई, बिग बैंग हुआ ना, और उससे पहले क्या था, बिग बैंग से पहले हु का आलम था। और तभी तो हजरत सुल्तान बाहू ने अपना नाम बाहू, कि हु के आलम में जो रब के साथ था। तो रब को सरकारे तो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के साथ इश्क हो गया। तो मैं कहा करता हूं कि रब इश्क कमा बैठा ते बदले एकदम दे गल दुनिया नु पा बैठा। तो ये सारा
खेल है, लेकिन हम इसको समझे नहीं, हम तो मैं में चले गए, हम अपने आप को भूल गए। देखें अलफ अल्लाह, अल्लाह चंबे दी बूटी, चंबे का फूल ऐसे होता है, अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शद लाई हूं, नफी असबात का पानी मिलसी। नफी इज कलमा शरीफ, ला इलाह इज नफी, इल्लल्लाह असबात, नफी असबात का पानी मिलसी, हर रगे हर जाई हूं, अंदर बूटी मुश्क मचाया, जान फुलन ते आई हूं, ते जीवे मुर्शद कामल बाहू, जिसने बूटी लाई हूं। ए तन मेरा, मेरा जिस्म, ए तन मेरा चश्मा होए, चश्मा आंख को कहते हैं यहाँ पे, ए तन मेरा चश्मा होवे, ते मैं मुर्शद वेख न रजा हूं, लूं लूं दे मुड़ लख लख चश्मा अखिया, एक खोला एक कज्जा हूं, इतना डिटिया मैं सबर ना आवे, होर किते वाल भजा हूं, ते मुर्शद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हजा हूं। ते की होया जे राती जागे, जे मुर्शद जाग ना लाई हूं, क्योंकि जाग बिना दुध जमदे नहीं हूं, भावे लाल होवन कड़ कड़। सारा हू का एक तमाशा है, उस डोलर ने मचाया हुआ है, की करदा नी की करदा, दिल पर की करदा, विच मसीत नमाज गुजारे, फिर बुतखाने जा वड़दा, दिल पर की करदा, मूसा ते फिरौन बना के दो होके क्यों लड़दा, दिल पर की करदा। ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, आजकल हम आइसोलेशन में हैं, हमने अपनी अपने आप को किया हुआ है, तो आई थिंक ये एक बड़ा कीमती टाइम है, मैं समझूं लोगों के लिए टू सिट एंड रिफ्लेक्ट, ये क्यों क्या हुआ, दुनिया की इस रश से निकल के आइसोलेशन, अल्लाह ताला ने ये इन्फोर्स किया है, ये हैज प्रोवाइडेड अस विद एन अपॉर्चुनिटी कि आ जाओ आने वाली जगह पे, अपने आप को समझो, मुझे समझो, मेरी कुव्वत को समझो, इंसानियत को समझो, और जो हमारे अंदर, जैसे मैं अभी कह रहा था कि जेलसीमिया, प्रेजुडोसिस, ये इतनी कॉमन चीज़ें हो गई हैं, वी शुड रिफ्लेक्ट, इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट, अल्लाह हैज़ गिवन अस दिस टाइम, एंड आगे से रमजान शरीफ भी आ रहा है, दैट विल फर्दर रीइंफोर्स। अल्लाह ताला ने बड़े अजीब वक्त पे ये इम्तहान लिया है हमें, कि पहले जुझराया, उसके बाद ऊपर से रमजान आया, और अब असल इम्तहान शुरू होने वाला है। सो अल्लाह ताला ने एक प्रोवाइड किया है, मैं समझता हूँ इससे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि इस वक्त हमें ये मौका मिला है। बेशक, आई मीन क्योंकि आप जिस तरह से पहले बात कर रहे थे कि इंसान अगर अपने ही अंदर खो जाएगा, एंड आई मीन दैट इन अ नेगेटिव वे, यू नो, एक सेल्फिशनेस का जो आलम है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, राइट, वो जिसको मैं उर्दू में कहता होता हूँ, बड़े लोग हैं आजकल, मैं अपने मरीजों को कहा करता हूँ कि आप तो खुद से राजी हैं, बस आपको किसी की परवाह नहीं है, आप कहते हैं कि मैं खुद से राजी हूँ, लेकिन आप वैल्यू सिस्टम अली कितना चेंज हो गया है। आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड, एक मोहब्बतें, आपने अपने दादा की अपनी फैमिली में सुना होगा, एक अजीब मोहब्बत, खलूस, लगन, एक जज्बा, वो सब खत्म हो गया है, हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, हम अपने आप की अपनी औकात को भूल गए हैं, तो जरूरत ये थी, अल्लाह ताला ने शेक किया है कि आ जाओ अपने आने वाली थां थे। बिल्कुल सही,
अच्छा डॉक्टर साहब, हमें बाय द वे, क्योंकि हमें कुछ लोग इस वक्त देख भी रहे हैं, तो मुझे जी सवाल मौसूल हो रहे हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो मैं सवाल शेयर कर हाँ, सकता हूँ? पूछें जी, पूछें, बम्बार्ड करें आप। बिल्कुल सही। हबीबा तल्लत साहिबा पूछ रही हैं कि जिस तरह हमने बहसियत अवाम और हमारी हुकूमतों ने सेहत और तालीम के लिए सबसे कम बजट रखा था, इन अहम तरीन शोबों को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया, मौजूदा सूरत हाल ने तमाम पोल खोल कर रख दिए हैं, तो आपके ख्याल में अब हंगामी सूरत हाल के बाद हम क्या बेहतर हिकमत अमली तश्कील दे सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और उन्होंने मेरे दिल की बात की। मैं आई पे कॉम्प्लीमेंट्स टू हर और उम्मीद है वो सुनेंगी। इट्स वेरी गुड। ये वही बात है ना कि ये झटका लगा है तो हमें सारी चीज़ें याद आ गई हैं कि क्या हो रहा है हेल्थ के साथ और क्या हो रहा है एजुकेशन में। अब ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है और मैं आई सैल्यूट मैडम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट दिस इज ए क्वेश्चन ऑन विच एवरीबॉडी लिस्नर्स ऑल लिस्नर्स हैव टू रिफ्लेक्ट कि हमें क्यों इतना आइसोलेट कर दिया गया है। कि अपने आप से भी तो बातें करो ना। हम तो बाहर फिरते हैं, खुद से राजी हैं, बस किसी और की परवाह नहीं है। हम बड़े रश ऑफ लाइफ में रहते हैं लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड, ऑब्सेस्ड विद ग्रीड, ग्रीडोसिस मैं कहता हूँ, जेलेसीमिया, प्रेजुडोसिस, मैंने पहले ही ये बीमारियां मैंने डिस्क्राइब की थी जी, और ये निकलेंगी। अब ये भी बहुत सीरियस, ये एक तो होती है ना जिस्मानी बीमारियां, एक जहनी बीमारियां हैं, एक रूहानी बीमारियां हैं। तो ये रूहानी बीमारियां जो हैं ये इन्होंने हमें बिल्कुल हकीकत से बहुत दूर कर दिया है और हम एक अजीब किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं व्हेन आई थिंक कि फ्यूचर, मेरे ख्याल में ये झटका लगाया, आई होप दैट पीपल लर्न फ्रॉम दिस एंड देयर इज टाइम टू रिफ्लेक्ट, लुक बैक हाउ वी हैव बीन डीलिंग विद पीपल इन द पास्ट। हमने अपने माँ बाप की तरफ कितनी डिवोशन दी। याद करें वो वक्त जब हम कुछ भी नहीं थे, उन्होंने हमें पाला पोसा, हमें एजुकेट किया। पता नहीं किस तरीके से कुछ लोगों ने अपने रिसोर्सेस को बढ़ाया बड़ी मेहनत करके और अपने बच्चों को, और हम जब बन गए तो हम समझते हैं हम भने खाने। आई डिड दिस। ये जो आई है ना ये नफ्स है, नफ्स जी, सॉरी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। दिस इज ए टेरेबल थिंग। लेकिन अब ना वो मुरीद रहे हैं ना वो मुर्शिद रहे हैं। की होया जे राती जागें, जे मुर्शिद जाग ना लाई हूँ, वाह क्योंकि जाग बिना दूध जमदे नहीं, भावे लाल होवन कड़ कड़ के हूँ। खूबसूरत। असल में बहुत अच्छे वक्त पे अयाज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इसको जारी रखें जब तक हमारा ये इम्तिहान से हम पास नहीं होते, और इसको प्लीज डेली बेसिस पे करें क्योंकि आजकल लोगों की रिसेप्टिविटी बहुत हुई हुई है। जी, बिल्कुल। नहीं, पूरी कोशिश है डॉक्टर साहब कि इसको जारी रखें, और ऑफ कोर्स अगर अगर लोग इस चीज़ को इससे महसूस हो सकें, इसको पसंद करें। एक एक सवाल आया आपके लिए, एक और अगर जी इजाज़त हो। अली रज़ा याद साहब पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि अल्लाह ताला ने रमज़ान शरीफ इस बार ऐसे मौके पर दिया है कि हमें इसके हुजूर अपने आप को माफ़ी के लिए पेश करना चाहिए,
मेहरबानी फरमा कर थोड़ा सा और रोशनी डाल दें। रोजा जो है ये सिर्फ भूख का रोजा तो नहीं है ना, कि हम खाते कुछ नहीं है, मतलब ये उसका रोजा नहीं है। रोजा बुराइयों से बचने का नाम है रोजा। खाना तो एक चीज है, हम तो सिर्फ ये करते हैं कि जबरदस्त सैरी पराठों वाली और पता नहीं क्या क्या खा के उसके बाद जबरदस्त अफतारी होती है, ये रोजे का नाम नहीं है। रोजा इंसान को अपनी पहचान करता है कि ये मेरी औकात है, कि मैंने कुछ खाया नहीं तो मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं किताबें पढ़ता हूं, बच्चे कहते हैं तो पढ़ाई नहीं होती, इसलिए वो कई रोजे नहीं रखते कि जी आजकल इम्तहान हो रहे हैं। रोजा ये एक बड़े अजीब वक्त पे आया है। देखें अब मस्जिद में जो लोग जमातों को जो आजकल झगड़ा चला हुआ है कि जी हज का क्या बनेगा, तरावी कैसे पढ़ी जाएंगी, ये सारे अल्लाह के इम्तहान हैं और ये हमारे लिए एक शेक, इट्स ए काइंड ऑफ ए अर्थक्वेक फॉर अस। और आपको पता है जब अर्थक्वेक आता है तो हर बंदा भागता है अपने आप को बचाने के लिए। तो आई थिंक एक रूहानी नफसियाती जहनी पाकिजगी का वक्त आ गया है। रोजे की असल स्पिरिट ये है और ये रमजान के साथ ये भी साथ हो गया है, हमें आइसोलेट कर दिया है, तो मैं तो इस टाइम को बड़ा एंजॉय करूंगा। ये मुझे, मैं पहले तो नहीं गया क्लिनिक, वही खौफ जो था, क्रोनोफोबिया, ये एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है क्रोनोफोबिया। कोरोना कम लोगों में है, क्रोनोफोबिया बहुत ज्यादा है। हर बंदा डर रहा है, हाथ धो रहा है और किसी से बात नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि रिफ्लेक्ट, अपने अंदर ढूंढो, मुझे ढूंढो, मेरे अहकाम को ढूंढो, अपने आप को देखो कि तुमने माजी में क्या किया, तुम्हारे मुस्तकबिल में क्या ख्यालात थे और मैंने तुम्हें कहाँ ला के खड़ा कर दिया। आई थिंक अल्लाह ताला इस तरह उसकी नेमतें होती हैं, उस तरह वो झटके लगाता है, ये उसकी तरफ से झटका है। एंड दिस इज टाइम नॉट टू बी सैड एंड डिप्रेस्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, हम जागें, हम रिफ्लेक्ट करें, हम कैसे इंसान हैं, कैसे पाकिस्तानी हैं, कैसे बेटे हैं, कैसे बाप हैं। आई थिंक ये बहुत कुछ सीखा जा सकता है इस पीरियड में। इट्स ए ग्रेट पीरियड टू रिफ्लेक्ट। ये मुर्शिदों की जरूरत है, मुर्शिदों की जरूरत है, लेकिन और आप मुर्शिद सबसे बड़ा मुर्शिद तो रब है। बेशक बेशक ये प्लीज़ इस पे ज़रा और ज़्यादा बात कीजिए। मैं समझना चाहूँगा कि मुर्शिदों की ज़रूरत है, इससे आपका क्या मतलब? स्पिरिचुअल गाइड्स आजकल तो कोई सुनते नहीं है ना, जी बेराहो रवि इंतहा पे है, वैल्यू सिस्टम हमारे खत्म हो गए हैं। व्हेन आई लुक बैक एट माय चाइल्ड चाइल्डहुड, तो उस वक्त तो बहुत अच्छा जमाना था। ठीक है, आई यूज्ड टू लिव इन लाहौर, सर्दियों में नीम गर्म पानी आता था, गर्मियों में ठंडा पानी आता था, हम नहाते थे मज़े से, लाइट कभी नहीं गई थी, कभी बहुत तूफान आया तो लाइट गई और 3 मिनट के बाद वापस आ जाती थी। अब क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? दिस इज, ये एक वो घड़ियां हैं जिनमें आप रिफ्लेक्ट करके सोच के आप अपने असल की तरफ
अल्लाह ताला ने कशिश शक्ल पैदा कर दी है कि लौट आओ मेरी तरफ और सोचो कि तुम्हें मैंने क्यों पैदा किया, किस लिए पैदा किया, तुमसे क्या तवक्को थी और तुम किस रास्ते पे चले हुए हो। हवस के रास्ते पे, मोर मोर मोर, हाउ फार विल यू गो। ये एक आई सवाल थिंक जी 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 सॉरी पूछे। सॉरी इसी इसी से रिलेटेड डॉक्टर साहब एक सवाल आया है तो मैं एक्चुअली उसी में ऐड कर दूंगा कि बिनते खान साहिबा कह रही हैं कि सर इंसान को जलजला और कोरोना जैसी चीज़ें ही क्यों जगाती हैं, हमारा तालीमी निज़ाम किस तरह असल इस्लाम की रूह को तालीमी इदारों में सिखा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया और मुझे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं बहुत बात सारी फिर वहीं आती है कि हम भूल गए हमारी मिरास, हमारे बुजुर्ग, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे मजहब ने हमें क्या सिखाया। हम तो नफ्सा नफ्सी के आलम में हैं और ये रिफ्लेक्ट करने का टाइम है। अंदर हूँ ते बाहर हूँ, वत बाहू कित लबेंदा हूँ, हूदा दाग मोहब्बत वाला दम दम नाल सड़ेंदा हूँ, जिथे हू करे रुशनाई उथो दूर अंधेरा बहंदा हूँ, मैं कुर्बान तिना तो बाहू जरा हू नू सही करेंदा हूँ। ये हु क्या चीज़ है डॉक्टर साहब, इस पे प्लीज़ थोड़ी सी गुफ्तगू, क्योंकि ये मतलब इतनी बुनियादी चीज़ मुझे लगती है कि भाई क्या था, जब अल्लाह ताला ने दुनिया क्रिएट हुई तो हु का आलम था। जी बिल्कुल लफ्ज़ सुना हुआ है ना, बिल्कुल हू का मतलब कंप्लीट साइलेंस। मैं आपको बड़ी इम्पोर्टेंट, जब मैं वाइस चांसलर था यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का, तो मैंने एक रूटीन बनाई हुई थी कि एवरी 2 ईयर्स आई यूज टू कॉल वन नोबल लॉरिएट, बियर इज एक्सपेंसेस। तो ड्यूक यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर साहब को मैंने बुलाया एंड ही केम टू माई ऑफिस बिफोर गिविंग ए लेक्चर इन द ऑडिटोरियम। तो वो ही वॉज टॉकिंग अबाउट द बिग बैंग, ही वॉज पार्टिसिपेंट इन द बिग बैंग थ्योरी। तो मैंने कहा कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मूविंग स्टोरी। मैं उनका नाम तो मुझे पता है लेकिन मैं नहीं ले रहा, बिकॉज बींग ए साइकाइट्रिस्ट फॉर 52 ईयर्स आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट मैंशनिंग नेम्स ऑफ पीपल। सो ही आई आस्क्ड हिम द लेक्चर, जब खत्म किया मैंने कहा व्हाट वाज देयर बिफोर द बिग बैंग। एक नोबल लॉरिएट के लिए 1 मिनट की साइलेंस बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी साइलेंस कोई 1.5 मिनट की हो गई। बिल्कुल सर। तो कहने लगे कि आई सपोज देयर वाज कंप्लीट साइलेंस बिफोर दैट। सो आई सेड डू यू नो व्हाट वी कॉल साइलेंस, हु का आलम। देन आई नरेटेड few verses of poetry, translated them into English. जब वो लेक्चर ले रहा था तो मैं हु की ट्रांसलेशन कर रहा था। हमें यही रिक्वेस्ट आ रही है डॉक्टर साहब कि अभी जो आपने कलाम सुनाया उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर दें ताकि लोग आसानी से समझ पाए। अंदर हु ते बाहर हु, वत बाहु कित लबेंदा हु, हु को फील करना जो आजकल लोग फील कर रहे हैं,
उदा दाग मोहब्बत वाला, दम दम नाल सड़ेंदा, जिथे हू करे रिश्नाई उतो दूर अंधेरा बहंदा हू, मैं कुर्बान तिना तो बाहू, जरा हू नू सही करेंदा हू। हू का मतलब है कि साइलेंस में दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग और ये आइसोलेट किया हुआ है, मिलने की इजाज़त नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें ये एक मौका दिया है कि बैठो, हू के आलम में जाओ, अकेले रिफ्लेक्ट करो, और जो तुमने, तुम समझते हो जैसी तुमने जिंदगी गुजारी, जो तुमने गलतियां की उनके बारे में सोचो, और मुस्तकबिल के लिए एक नया प्रोग्राम प्लान सेट करो। ये वो मौका है अभी, दिस इज हाउ आई लुक एट। तो आप मतलब ओके वेट, आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद वन, के एक यू आर ए, आई एम वेरी प्लीज्ड दैट आई एम बीइंग इंटरव्यूड बाय ए मैन, बाय ए यंग मैन हु इज सो ब्रिलियंट, हैविंग मेट यू। मैं जब तुम्हें पहली दफा मिला था तो मुझे बड़ी जबरदस्त तुम्हारी बात, जब तूने मुंह खोला तो मुझे बड़ी जबरदस्त, वो कहते हैं ना, खिंच पड़ी तुम्हारी तरफ से। दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग मैन। आई एम रियली ग्रेटफुल, दैट्स व्हाई आई सेड टू यू आई विल नेवर से नो टू यू। आपने कल मुझे हुक्म किया कि डू ए प्रोग्राम, आई शुड ऑलवेज, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं नहीं अच्छा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन नहीं, नहीं वो आप तो नहीं कह रहे ना, वो तो मेरी असेसमेंट है। मैं दुनिया को, मैंने अपने आप को और दुनिया को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, 52 years into psychiatry, Ali, I was trained in London Guy's Hospital. जी जी The most remarkable man, David Stafford Clark, who was author of 88 books, उसने मुझे ये समझाया कि how poetry and psychiatry is similar thing. So that is why मेरी poetry, वो कहते हैं ना, वो plucked from the memory, a rooted sorrow, raised out the written troubles of the brain, and with some sweet oblivious antidote, cleans the stuffed bosom of that perilous substance which weighs upon the heart. Wow, khoobsurat. This is time. Plucked from the memory, a rooted sorrow, raised out. इसको ट्रांसलेट भी कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज, ताकि वो इसको समझ सके इसकी डेप्थ। प्लक फ्रॉम द मेमोरी, रिफ्लेक्ट करो, हु के आलम में बैठे हो, सोचो कहां डूबी हुई डीप डाउन कौन सा सौरो, कौन सी ट्रेजेडी, कौन सा ऐसा वाक्या था जिसने तुम्हें हिला के रख दिया। प्लक करो, उसको ढूंढो, और उसके बाद जो तुम्हारे दिल पे, दिमाग पे, रूह पे बोझ है, उस पे जो मुश्किलात हैं, उसको ख़त्म करके उसकी जगह एक मासूमियत रूह को अपने अंदर लाओ, और उस तरह दुनिया को देखो। प्लक फ्रॉम द मेमोरी ए रूटेड सॉरो, raise out means remove karo the written troubles of the brain, and with some sweet oblivious antidote, bahut meethi cheezon se us meethi cheezon se apne buzum ko saaf karo, aur ye time hai, this is the right time, the right moment, this point in time when you are talking to me. You have taken me somewhere else. मुझे बात करने के काबिल नहीं किया, मैं हूँ के आलम में चला गया हूँ। नहीं नहीं ये हमारे लिए तो यही बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, बिकॉज एक्चुअली डॉक्टर साहब आई मीन इस चीज़ के बारे में इट इज़ अ मिस्टीरियस पाथ इन सम वेज। अभी जिस तरह मुझे अभी अभी एक सवाल मौसूल हुआ है, असल में बात यह है कि आजकल कहत रुजाल हो गई है। मतलब कह तो रुझाल से
अब बात यह है कि हमारे रवैये इतने तब्दील हो गए हैं कि जेन्युइन मुर्शिद खत्म हो गए हैं। हर बंदा आपके साथ रिलेशनशिप बनाता है किसी फायदे के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। गिव एंड टेक कॉन्स्टेंट. हाँ, मुर्शदियत भी खत्म हो गई है, अब मुरीदियत भी खत्म हो गई है। फॉलोअर्स, जी, बिल्कुल. रोल मॉडल्स हमारे बड़े कम हो गए हैं, हमारे रोल मॉडल्स खत्म हो गए हैं। सो वी आर लॉस्ट, वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, तो और हम आपको बड़े फनी खान समझते हैं। इसी इसी से इसी से रिलेटेड एक सवाल आया है नबीला अशरफ साहिबा का, कि उस्ताद मुर्शिद सही वक्त पे खुद ही मिल जाते हैं, ढूंढने से नहीं मिलते, पर लेकिन पर सही वक्त कब आता है, नसीब से या कोशिश से? आई थिंक मुर्शिद की तलाश तो हमेशा होनी चाहिए थी। अब मैं आप उसने सवाल बेटी ने पूछ लिया है, मेरी तो बेटी है ना, मेरी जी शायद जी पोती 89 उम्र की होगी। लवली क्वेश्चन। बात यह है कि मैं एज ए चाइल्ड मैं बड़ा इंट्रीग था दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ मुर्शिद गाइड। उस्तादों को तो सुना है हमने, तो मुझे जिंदगी में चार लोगों से इश्क हुआ, चार रूहों से इश्क हुआ। सबसे पहला इश्क मुझे अपनी ग्रैंड मदर से हुआ, हु ब्रॉट मी इन टू दिस। शी बिकेम विडो एट 19 years ऑफ एज विद ए लॉन्ग लाइफ, टू डॉटर्स, माई मदर एंड माई खाला। शी वॉज माई फर्स्ट मुर्शिद, और 6 साल की उम्र में, मैं ये बात करते हुए बड़ा परेशान हो रहा हूँ, आई सॉ ए ड्रीम दैट आई वॉज लिफ्टेड, और पता नहीं कहाँ कहाँ मैं गया, मुझे कुछ याद नहीं। बड़ी अजीब अजीब जगहों पर गया मैं, जहाँ हू का आलम भी था और नूर का आलम भी था। सही, बिल्कुल सही. सो शी वॉज द फर्स्ट वन। देन माई स्कूल टीचर हु वॉज आई वॉज इन गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल जूनियर मॉडल में, देर वॉज ए टीचर मिस बट, शी वॉज ए रिमार्केबल लेडी। मैं जब उनको देखता था तो उनका ऑ इतना जबरदस्त था, 5वीं जमात की कहानी, कि जब वो आती थी मिस्री शाह से आती थी लाहौर में, सेंट्रल मॉडल स्कूल जूनियर मॉडल स्कूल में, तो उनके शूज जो थे ना वो उस पर कीचड़ लगा होता था, तो वो जब बैठ जाती थी तो मैं उनके वो शूज उतार देती थी। मैं रुई लेके ना, जो डस्टर को साफ करने के लिए ब्लैक बोर्ड को, जी, उस पे गीला पानी लगा के उनकी जूती को साफ करता था। और तो वो मेरी पहली मुर्शिद थी। उस वक्त तो मुझे पता नहीं था मुर्शिद क्या है। एंड आई वुड दोपहर के वक्त, मेरे माँ बाप बड़े नाराज थे मुझे, बिकॉज वो दे यूज टू गिव मी इन ए टिफिन कैरियर खाना, कि लंच के वक्त जो लंच ब्रेक होगी उसमें खाना है, लेकिन लंच ब्रेक में मैं अपनी टीचर का एक नीले रंग का थैला लेके, और मुझे वो 2 रुपए देती थी, मैं अपनी छोटी छोटी टांगों के साथ, छोटे छोटे पाँव के साथ पैदल चल के सेंट्रल मॉडल स्कूल में भाटी दरवाजा जाता था, वहाँ जाके मैं सब्जियाँ खरीदता था, 10 आने की, 11 आने की। उसके बाद मैं उसको कहता था कि एक थोड़ा धनिया मुझे मुफ्त दे दो, थोड़ा नींबू दे दो, और फिर मैं वापस आ जाता था। और मेरा जब टिफिन कैरियर घर जाता था तो खाना उतना पड़ा होता था। तो मुझे अपनी उस नानी अम्मा से इश्क हुई, फिर मुझे बिस बट से इश्क हो गया। रिमेंबर आई वॉज ओनली 7 और 8 एंड शी वॉज 50 years of age।
उसके बाद फिर एक आपा मरियम थी, शी वॉज लिव्ड इन आर नेबरहुड, वो भी एक बड़ी छिपी हुई शख्सियत थी। शी वॉज ए वेरी वेरी एजुकेटेड लेडी, बट हर हस्बैंड जस्ट लेफ्ट विदाउट टेलिंग हर। शी हैड टू सन्स, फूकी और कूफी, दो नाम थे उन बच्चों के। तो शी वॉज ए रिमार्केबल लेडी। शी यूज टू स्मोक सिगरेट्स पासिंग शो, और मुझे कहती थी मेरे लिए लेके आओ सिगरेट। एंड शी यूज टू गो लाहौर शहर के अंदर फिफ्थ फ्लोर पे, देयर यूज टू बी टॉयलेट, तो वो ऊपर चली जाती थी डब्बी लेके, पासिंग शो की सिगरेटों की डब्बी आती थी 10 आने की उस जमाने में, वो सिगरेट पिया करती थी। और मैं बाहर खड़ा होके, छोटा सा बच्चा, एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, तीन दूनी छः, और वो सिगरेट पूरी डब्बी खत्म करती थी, बिकॉज शी डिडंट वॉन्ट टू स्मोक इन पब्लिक। शी ऑल्सो क्रिएटेड ए ग्रेट इम्पैक्ट। और फिर फाइनली आई मस्ट मैंशन नाउ द फोर्थ लेडी, दैट इज मोहतरमा आबदा परवीन। वो अजीब ही चीज़ थी। मुझे मुर्शद की बड़ी तलाश थी, बहुत सख्त किस्म की तलाश थी, लेकिन मैं जहाँ भी गया, लोगों को मिला, कोई कहते ये फलां बड़े पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे, ये तो नहीं मैं कहता कि मुझे बदबू आई, मुझे खुशबू नहीं आई। मुर्शदियत की खुशबू भी आती है सही। किसी से मिलते हैं आप। हाँ जी। तो फिर मैंने ये फैसला कर लिया कि यार मेरी किस्मत में कोई मुर्शद नहीं है। तो सुल्तानुल आरफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने, शायद लोगों को पता नहीं है, मैं आज बता दूं, लोगों ने तो उनका अभियाते बाहू सुने हुए हैं ना, उनकी 144 किताबें हैं जो एक सौ उन्होंने फारसी में चवालीस लिखी, 144 किताबें हैं। और वो उनमें से 63 किताबों का, मैंने एक प्रोफेसर थे बीए नसीम साहब, उनको दरख्वास्त की, उसका उनका उर्दू तर्जमा हुआ, अच्छा लाहौर में अभी भी मिलती हैं। अबयात-ए बाहू तो एक अलग चीज़ है ना, जी जो जी अलफ जी से ये तक चलती है। तो वो बाहू उनका नाम इसलिए था कि वो हू के साथ थे, आलमे हू में बाहू हू के साथ, तभी तो उनका कलाम जो है वो, इट इज सो शेकिंग। किबला, आप तो बड़े एजुकेटेड आदमी हैं, बड़े मॉडर्न हैं, अगर आप उनके कलाम को पढ़ें, हजरत सुल्तान बाहू के कलाम को पढ़ें और समझें और रिफ्लेक्ट। हम कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं लेकिन हम रिफ्लेक्ट नहीं करते। जिस चीज़ पे हम रिफ्लेक्ट ना कर सकें, तो बाहू ने बहुत कुछ सिखाया। तो वो फिर जब मैंने ये फैसला किया कि कोई बंदा ऐसी दुनिया में नहीं है, जहाँ मैं बड़े मुर्शिदों के पास गया, बड़े बाबों के पास गया, बलूचिस्तान में गया, सिंध में गया, मुझे खुशबू नहीं आई। बल्कि अगर मैं बड़ी आजजी के साथ इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, मुझे खुशबू की बजाय बदबू आई। साइकाट्रिस्ट, यही मेरा फील्ड है। मगरिब की अजान हो रही है, जी, ईशा की अजान हो रही है। बिल्कुल इशा की अजान हो रही है। मैं तो भूला हुआ ना इस वक्त, मैं तो इस वक्त आलम हू में हूं, मुझे नहीं पता मगरिब की है या इशा की है। तो
मैं फिर मैंने फैसला किया कि यार कोई शख्स ऐसा नहीं है जो मेरा मुर्शिद बन सके। तो आज से 26 साल पहले मेरी एक बेटी की शादी थी, उसपे मेरे घर की ट्रेडिशन है, फैमिली की ट्रेडिशन, शादी होती है तो कवाली का प्रोग्राम होता है। खान साहब के साथ, नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक था, वो मुझसे मोहब्बत करते थे और मैं भी उनका आशिक था। एक बेनजीर इंसान थे वो, जो आके छोड़ गए हैं, वो अभी भी इंसान जब सुनता है। तो मैंने कहा कि यार मेरी बेटी की शादी है, तो मैं एक, मुझे किसी ने कहा कि आबिदा परवीन है के पास, मैं उनके पास गया रूटीन में, तो मैं गया, मैंने फॉर्मली कहा कि जी मेरी शादी, बेटी की शादी हो रही है, आप तशरीफ लाइए। और एक दिन शाम को गए, उन्होंने कहा कि ये तो, मैं तो 8 तारीख को भी मेरा प्रोग्राम है कराची में और 10 तारीख को भी प्रोग्राम है। मैंने कहा मैं 9 तारीख को चाहता हूँ। उन्होंने कहा मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरे मुंह से एक शेर निकल गया, अल्लाह ताला ने कहलवा दिया। मैंने कहा जफा कम कुन कि फर्दा रोजे मैशर, यानी मैं तर्जमा करूँगा, जी, मैं यानी आपका शर्मिंदा बाशी, कि इतना जुल्म ना करो कि कल रोजे मैशर वाले दिन आशिकों की महफिल में आप शर्मिंदा हो। जफा कम कुन कि फर्दा रोजे मैशर, मैं यानी आशिका शर्मिंदा बाशी, आशिकों की महफिल। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं आऊंगी, हम आएंगे, हम आएंगे। तो अब उन्होंने कहा कि मेरे क्लिनिक का टाइम था, मैंने आना था। उन्होंने कहा नहीं, दरगाही प्याला पी के जाए। तो अब मुझे नहीं पता दरगाही प्याला क्या है, मैं बैठ गया। तो थोड़ी देर के बाद चाय आई, तो उन्होंने कहा ये है दरगाही प्याला। तो बहुत अजीब, उन्होंने, मैं खामोश था बैठा, तो कहने लगी कि डॉक्टर साहब आपको पता है दुनिया की बुनियाद किस चीज पर रखी गई। मैं कहने जी मुझे तो नहीं पता। कहने लगी कि दर्दे बलामत पर रखी गई, खुदा ईसा को बाकी पैगंबरों की तरह माँ के साथ भी बाप के साथ भी पैदा कर सकता था, लेकिन चूंकि दुनिया की बुनियाद दर्दे बलामत पर रखनी थी, इसलिए बगैर बाप के बेटा उसको दिया। इस चीज से मैं हिल गया, मैंने कहा ये तो बात बड़ी सोच है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खा इश्क का, जो किताबे अकल थी ताक पर, सो वही धरी की धरी रही। वाह उन्होंने ये कहा, मैं उठा और मैं उनके पाँव में पड़ गया। मैंने कहा जी आप मेरी मुर्शिद हैं। और वो रिश्ता, मैं, अजीब चीजें हैं यू, आप तो उनको सुनते हैं ना मौसीकी, उनकी जी, बिल्कुल उनके साथ बैठना, बहुत कम लोगों से मिलती हैं वो। मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं आपको एक अजीब बात बताने वाला हूं जी, प्लीज। कि मैं प्रिंसिपल था रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का। मैं रात को सोया हुआ था कुछ 10 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 बजे, तो मुझे फोन आया मोहतरमा आबिदा परवीन की तरफ से कि किधर हैं आप, और एंड शी वॉज क्राइंग कि आ जाइए आप। मैं उठ के चप्पल पहन के चला गया। मैं गया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको मुबारक हो, आपके लिए
अल्लाह ने दरवाजे खोल दिए हैं, आपको बहुत बड़ा रुतबा मिल गया है, दीन दुनिया के रुतबे मिल गए आपको। मैंने कहा यार मैं प्रिंसिपल हूँ रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का, जो कि बहुत बड़ा टॉप टॉप नॉच था, और मुझे क्या रुतबा मिलेगा? चलो जी दीन का, तो उन्होंने कहा वो। दूसरे दिन मुझे गवर्नर हाउस का से फोन आया कि खालिद मकबूल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैं डर गया, मैंने कहा कि उनके ऑर्डर्स आते थे, ही वॉज द चांसलर और मैं प्रिंसिपल था, तो मैं कहता था कि जी दिस स्टूडेंट कैन नॉट बी अकोमोडेटेड। मैं बड़ा सख्त आदमी हूँ अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, असूलों पे, गलत बात नहीं करनी, गलत बात नहीं माननी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो जगह नहीं है, हमारे तो लेक्चर थिएटर्स बहुत लिमिटेड हैं और स्टूडेंट्स फर्श पे बैठते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मिलेंगे। मैंने कहा लो जी, आई टोल्ड माई फादर, मैं कहा भाई आई थिंक मैंने उनके ऑर्डर्स नहीं माने, मुझे छुट्टी हो जाएगी, आई विल बी रिलीव्ड ऑफ द जॉब प्रिंसिपल। तो मुर्शिद का जब फोन आया कि आप आए, मैं गया तो उन्होंने, वो रो रही थी, कहने लगी कि अल्लाह ने आपके ऊपर दरवाजे खोल दिए दीन दुनिया के। मैं वापस आ गया, मैंने कहा मेरे लिए तो दीन दुनिया के क्या दरवाजे खोलने हैं। गवर्नर साहब ने मुझे मिला, बुलाया गवर्नर हाउस में इस्लामाबाद में, और उन्होंने कहा कि जी हम एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उसमें बहुत से एप्लीकेंट्स हैं, आपकी एप्लीकेशन नहीं है, और हमने जो अपने रिसोर्सेज से, उन्होंने साफ कह दिया, ISI और पब्लिक इंटेलिजेंस से पता किया है और आपकी बड़ी रैकिंग हुई है और वही आप वाइस चांसलर बनेंगे। मैं कहा सर मैं तो, मेरे फादर बहुत ओल्ड हैं, आई स्लीप विद हिम। मैं कहा नहीं आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अगर मैंने ऑर्डर कर दिया तो आपको आना पड़ेगा। फिर मुझे उन्होंने बैठे बिठाए, लेकिन मुर्शिद ने मुझे 2 दिन पहले बताया कि आपका आपकी तरक्की होने वाली है, उनको पता ही नहीं था कि क्या होती है वाइस चांसलर। तो बहरहाल कामल मुर्शिद बिलिया बाहू ते आप लखसी सारा हो, ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख ना रजा हूं, लू लू दे मुट लक लक अखियां एक खोला एक कज्जा हूं। ये ट्रांस प्लीज इसकी तशरीह डॉक्टर साहब थोड़ा सा, ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ आए इस चीज की डेप्थ। मेरा जिस्म जो है ना ये आंखें बन जाए, ए तन मेरा चश्मा होवे आंखें बन जाए, ते मैं मुर्शिद वेख ना रजा हूं, लू लू दे मुड लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा हूं, इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे और किते वाल पर जाहू, ते मुर्शिद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा हजा हूं। मैंने आपको पहले बता दिया है की होया जे राती जागे, जे मुर्शिद जाग ना लाई हूं, जे मुर्शिद जाग ना लाई हूं, मतलब अगर आप तभी रात को जागते हैं, जाग नहीं लगाते दूध को जमाने के लिए। जी 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 जी, हमने तो देखा है बचपन में, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी मरहुमा वालदा दूध के अंदर थोड़ा सा दही का एक चमचा डालती थी जी, तो जाग लगाती थी ना, सुबह को वो कनाली बन जाती दही की, बिल्कुल, जाग बिना दूध जमदे नहीं, जब तक वो दही का नहीं डालती थी एक चम्मच तो दही तो नहीं जमता था, तो जाग बिना दूध जम दे नहीं, मामे लाल होवन कड़ कड़ के हो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि दुनियावी असातिज़ा और रूहानी उस्ताद भी जरूर होना चाहिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वो एक फकीर हो, वो एक अनपढ़ आदमी हो, या बहुत पढ़ा लिखा PhD हो, पहुंचा हुआ दिमाग। इसी सिलसिले में डॉक्टर साहब एक सवाल आया है, अगर इजाज़त हो तो शेयर करूं। जी
हाँ जी सैयद मोहम्मद अली साहब पूछ रहे हैं कि इस एज में, इस वक्त में, जिसमें कंपेटिटिव एजुकेशन और इनफैक्ट तमाम सिस्टम्स ही सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल सक्सेस के लिए, पैसा कमाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, जिसमें आप लोगों के लेबर एक्सप्लॉइट करते हैं, इस दौर में इंसान मुर्शिद कैसे ढूंढ सकता है? देखिए, पहले तो जो उन्होंने सवाल पूछा है, मैं एक बड़ा, शायद नहीं, मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, एजुकेशन में भी अनफॉर्चुनेटली अब कारोबार शुरू हो गया है। और मैं तो इसको और भी सख्त अल्फाज में यूज करता हूँ, आई से कि देयर इज प्रोस्टिट्यूशन इन एजुकेशन नाउ, इज एवरीथिंग डू विद मनी। जैसे असातिज़ा हमने देखे, उसमें तो मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस्ताद तड़प रहा होता था किस तरीके से मैं अपने शागिर्द को एम्पावर करूं। तो ये तो एक बात है कि वो असातिज़ा, मुर्शिद, तो फिर आप मुर्शिद की तलाश में होते हैं तो वो आपको मिल जाता है। आपको मैंने बताया मुझे कैसे मिला, मैं तो अपने आप को बड़ा फन खान समझता था, तो कोई बंदा ही ऐसा पैदा नहीं हुआ जब मेरा मुर्शिद बन सके। एंड अल्टीमेटली आई एंडेड अप विद ए लेडी, एंड वो जो मुझे बातें बताती हैं, जो वो आप हैरान होंगे कि परसों शाम को एवरीबॉडी इज इन क्वारंटीन, मैं भी घर से बाहर नहीं निकलता, तो बिल्कुल सही। मैंने टीवी लगाया, उन्होंने, आपदा जी ने गाया हुआ है ना, मन लागो यार फकीरी में, सुना हुआ आपने? नहीं, मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ सुनने का, अगर लेकिन नहीं सुना तो भगत कबीर का कलाम आपदा प्रवीण जी ने गाया है, सीडी लो जाके उसको सुनो। बिल्कुल मन लागो यार फकीरी में, बुरा भला सबकी सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में। तो मैं वो सुन रहा था यहां बैठा, जहां पे मैं अब बैठा हूं, वो टीवी लगा हुआ था। तो मैंने एकदम अपनी जूती पहनी और ड्राइवर को बुलाया, मैं घर से निकल रहा, मैंने कहा चलो ले चलो मुझे उनके घर। देन आई स्पेंट 5 आवर्स, वो थी उनकी बेटी थी, उनका बेटा था, और मैं ऐसी बैटरी चार्ज हुई है, मुर्शद बिना सैया सैया लगती नहीं दवा, दारू ना जाने दर्द का कैसा तबीब था, सही तबीब ढूंढो। मैं आई वॉज ऑलवेज वेरी एंटी, मैं कहता हूं कि मुर्शदियत के बगैर तो कुछ है ही नहीं, जिसका मुर्शद नहीं है वो मस्कीन है, यतीम है, डंडवा है। एक और सवाल आया है डॉक्टर साहब, सुंबल फातिमा चिश्ती साहिबा पूछ रही हैं कि डॉक्टर साहब हैज़ जेनरसली शेयर्ड हिज मुर्शिद्स नेम, बट कैन ही ऑल्सो शेयर हिज स्पिरिचुअल लिंकेज, कि किन हस्तियों से ज़्यादा किन हस्तियों से नस्बत महसूस करते हैं? मैंने शायद उस पे एलूट कर दिया है, हजरत सुल्तान बाहू की तरफ, कि पहले मेरे तो सुल्तान बाहू ने ही ये फरमाया था, उनकी किताबें जो मैंने बताया 144 हैं, जी और वो उसको मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, संगे मील के मालकों को, कि प्लीज उन किताबों को पैदा करें। उनकी उर्दू तर्जमा, एक मेरे दोस्त थे प्रोफेसर फारसी के पेशावर यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर बीए नसीम, जी उन्होंने उसका तर्जमा किया हुआ है उनका, वो आप लें और आप अपने पास रखें, इससे आपके संगे मील को बहुत भाग लगेंगे, कि वो एक स्पिरिचुअल कलाम है हजरत सुल्तान वारफीन का। और ये तो हु का तो एक अभ्याते बाहु तो एक किताब है ना,
उनकी 143 और किताबें हैं, डॉक्टर और साहब, वो इतनी गर्म किताबें हैं, मैं यूज आई एम यूजिंग द वर्ड गर्म, कि मैं जब उसके 3-4 सफ़े पढ़ लेता हूँ ना, हालांकि आई एम ए वोरेशियस रीडर, मैं किताबों को रात को ख़त्म कर जाता हूँ, उनके 4 सफ़े जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो मेरे अंदर एक अजीब आग लगती है एंड आई कैन नॉट कंटिन्यू। मैं इस आग के बारे में ही बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए, अमूमन आई नो कि ऑब्वियसली एक्सेप्शंस होती हैं, फ़र्क होता है हर जगह पे, कहते हैं डिफरेंट लोग होते हैं, लेकिन अमूमन अगर एक इंसान दुनियावी तौर से, ठीक है, उसकी वाबस्तगी साइंस या इस तरह के किसी इल्म से हो जिसमें जिसमें वो तरक्की भी पाए, जिसमें उसका नाम भी हो, दैट ही अचीव्स सक्सेस इन अ वर्ल्डली सेंस, स्पेशली इन अ साइंटिफिक प्रोफेशन, एंड ऑब्वियसली यू नो यू आर डीपली लिंक्ड टू द साइकियाट्रिक प्रोफेशन, उन लोगों का जनरली, अगेन आई से दिस विद एक्सेप्शंस इन माइंड, जनरली उनका रुझान रूहानियत की तरफ नहीं होता, वो या इस चीज़ को बिल्कुल रद्द कर देते हैं, या इसको बिल्कुल मतलब कहते हैं कि जी ये तो यू नो दीज आर ट्रिक्स, दीज आर पार्लर ट्रिक्स, हाँ, राइट, सो ये ड्रामाबाजी है, ड्रामेबाजी है, कहते हैं ये जी हम साइकाइट्रिस्ट हैं, हमें पता है ये इसी के कहते हैं बस क्या कहते हैं दाव पेच हैं, उन्हें बस समझ आ जाती है कि कौन सा बटन दबाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, येट यू फाउंड सक्सेस कमर्शली मेडिक यू नो सॉरी प्रोफेशनली, एंड यू स्टिल थॉट कि नहीं कुछ मिसिंग है. मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो क्यों हुआ, हाउ डिड दैट हैपन, एंड वाई डिड यू फील द नीड, मिसिंग क्या है मतलब आपने भाई। बेसिकली वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको, मैं साइकाइट्रिस्ट क्यों बना, वो भी आपने छेड़ दी बात। जी जी बिल्कुल, साइकाइट्रिस्ट क्यों बने और फिर ये मुर्शिद की तलाश में क्यों निकले, ये दोनों चीजें. नहीं, मुर्शिद के बोलते दोनों मैं आपको बताता हूं। देखें, मैं एज आई टोल्ड, पहले मैंने बात की अपनी नानी अम्मा के साथ बहुत जी अटैच जी था, जी स्पिरिचुअली कनेक्टेड था। तो वो 1956 में हज पे जा रही थी। उस जमाने में हज था वो बैरी जहाज से होता जी था, उस बिल्कुल जमाने में नहीं थी, और वो कराची से बैरी जहाज जाते थे। तो वो कोई हमें 1 महीना पहले हाजियों को कराची पहुंचना पड़ता था, और वहाँ ही उनका पासपोर्ट बनता था, वहीं पे वो बैरी जहाज होता था। तो वो, मैं बड़ा अटैच था उनके साथ। तो जब मुझे पता चला शी इज गोइंग फॉर 6 मंथ्स, उस जमाने में हज पे 6 महीने लगते थे, तो मैं बहुत रोना शुरू कर दिया, मुझे बुखार हो गया। तो मेरे वालिद ने मुझे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। मैंने कहा जी माँ जी जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आवर फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट मैन, ही वॉज ए ग्रेट, वेरी क्लोज टू योर ग्रैंडफादर, आपके जी दादा। जी बिल्कुल वो दफ्तर से उठ के, जैसे मैंने बताया कि मैं संगे मील, उर्दू बाजार के मोड़ पे जी संगे मील पब्लिकेशंस थी, तो कई कई दफा मैंने वहां पे नेमत कदा का खाना भी खाया, आपके मरहूम दादा खुदा गरी के रहमत करे, तो खाना खाया। तो वो मेरे वालिद साहब पढ़ाई के मामले में बड़े जबरदस्त थे, सख्त थे, बेटे तालीम के बगैर कुछ नहीं है। तो स्कूल रनिंग टाइम था, तो वो फिर मैं, मेरे ख्याल में मुझे, मैं रोता ही जाता था, रोता ही जाता था, और बुखार भी नहीं उतरता था। तंग आके उन्होंने फैसला किया कि मैं, चलो हम चलते हैं उनको कराची छोड़ने के लिए। आई एम टेलिंग यू माई पाथ टू साइकाइट्री, जी 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 बिल्कुल
ईयर्स ऑफ एज। तो गवर्नमेंट सेंटर में स्कूल से छुट्टी लेनी बहुत मुश्किल थी। छुट्टी ली, लेके हम तेज गाम के जरिए, उस वक्त रेलवे थी, जी मेरी एक खाला थी, एक मेरी वालदा थी, एक मेरी खाला थी। खाला मेरी के हस्बैंड लिप्टन में जनरल मैनेजर थे हैदराबाद के, गिद्दू बंदर। वहां पे गए तो वहां पे पहले दिन तो हमें वो नानी अम्मा भी साथ गई, हम रुके वहाँ पे। फिर हमने कराची जाना था, मेरी नानी अम्मा ने आगे बहरे अरब के जरिए, जी जहाज का नाम था। तो हमें पहले दिन तो गिद्दू बंदर ले गए ना अब्बा जी, हाँ जी हम बैठ के वो सैर की। दूसरे दिन उन्होंने कहा कल हमने गिद्दू बंदर के पागलखाने में जाना है। दीज वर द वर्ड्स। तो मुझे याद है अपने रात को जाके कोई फॉल्टी फ्रूट्स खरीदा, फॉल्टी फ्रूट्स, गले सड़े सेब, गले सड़े केले, जैसे किसी जू में जा रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है टांगे पे बैठ के, आई बिकम टीयरफुल टॉकिंग अबाउट इट। मेरी आवाज में आप देख रहे हैं जी चेंज। तो हम टांगे पे बैठ के गिद्दू बंदर के मेंटल हॉस्पिटल में गए। वहां टिकट थी सर, 4 जुलाई के जू, 4 आने बड़े की टिकट और 2 आने बच्चों की टिकट। और मुझे अच्छी तरह याद है 2 रुपए 14 आने की टिकटें मेरे वालिद साहब ने खरीदी। मेरी तो टिकट 2 आने की थी, मेरे बहन भाइयों की, मेरे वालदैन की थी। और हम अंदर गए और हमने वो फॉल्टी फूड फेंका। एक कमरा था, उसके दरमियान में एक दीवार लगी हुई थी और आगे वो चेन्स थे, उसमें एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, सम ऑफ देम सेमी नेकेड। और हमने वो फ्रूट फेंकते थे, वो एक दूसरे से झपटते थे और फिर वो खेंक के खा लेते थे। आई वॉज वेरी डिस्ट्रेस्ड, आई बिकेम वेरी टेयरफुल, आई केम होम, खाला के घर आया। रात को मैंने खाना नहीं खाया, मेरा बुखार 105 हो गया। उस रात जब मैं अकेला टर्न एंड टॉस कर रहा था बिस्तर पे, मैंने कहा लमिया ये क्या है, ये भी मेरी तरह हमारी तरह इंसान है, ये किस तरह जानवरों की हालत में रह रहे हैं। मैंने मुझे नहीं पता था ये क्या है। मैंने वो फैसला किया कि जब मैं बड़ा हूंगा ना तो मैं इन लोगों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दूंगा। इन लोगों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दूंगा। मुझे नहीं पता था ये क्या है। तो वो जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज टॉपर एवरीवेयर, उसके अलावा कभी हुआ ही नहीं। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कभी बेटे सेकंड भी आके दिखाया करो। एनीवे, मैं जब वो तो मैंने फैसला कर लिया था ना उस उम्र में, 6 साल की उम्र में, तो जी मैंने जब हाउस जॉब किया सर्जरी का, तो मैं अपने वालिद साहब के पास गया। मैंने कहा अब्बा जी मैंने इंग्लैंड जाना है। उस जमाने में बड़ा मुश्किल था, जी 1968-69 की बात मैं कर रहा हूँ। तो मुझे याद है कि 1 महीना तो लगा था $20 अमेरिकन एक्सप्रेस के ट्रेवलर्स चेक लेने में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 1 महीना लगा था। मेरे वालिद साहब और मैं कोई हम कुछ 10 दफा गए थे। वहाँ एक मैनेजर साहब थे, उनका नाम मुझे अभी तक याद है। 1 महीना लगा था, उसके बाद $20 वो हमें ट्रेवलर्स चेक मिले थे अमेरिकन एक्सप्रेस के। तो बाजी ने कहा तू क्या करना है, मैंने कहा जी मैं साइकाट्री करनी है। कहा तेरा दिमाग खराब है, हर इम्तिहान फर्स्ट आया है और तू कहता है कि मैंने साइकाट्री करनी है, पागलों का डॉक्टर बनना है तुमने। मैंने कहा अब्बा जी आप क्या चाहते हैं,
कहते बेटे मैं चाहता हूं तू एमआरसीपी कर। उस जमाने में एमआरसीपी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन थी। मैंने कहा अच्छा अब्बा जी मैं कर रहा हूँ। मैं जनाब बलैत चला गया, वो $20 के ट्रैवलर चेक अमेरिकन एक्सप्रेस के थे, वो मुझे अच्छी तरह याद है, उनका कलर भी याद है। वो लेके मैं इंग्लैंड चला गया। वहां पे जाके मैं, अब एक बात बात से बात चल रही है, तो जब मैंने देखा लंदन, दिमाग को थोड़ा सा चक्कर आ गया। आई हैड गॉन फ्रॉम लाहौर। यार ये $20 मेरे पास है, ये अंग्रेज गुरे को देख के मैं डर लगता है। मैं अब बड़े जबरदस्त साइकाइट्रिस्ट हैं यार, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम मुझसे बहुत सी बातें निकलवा रहे हो नहीं जो नहीं मैं करने नहीं। मैं एक्चुअली कहते हैं, मैं उस निकलवाने से ज़्यादा आई थिंक व्हाट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन, जो मैं जब भी आपकी स्टोरी सुनता हूँ, जो मुझे बड़ी चीज़ फैसिनेट करती है कि एक इंसान का, अगेन स्पेशली 60s के अंदर, जब शायद अब तो एक ग्लोबल विलेज है, हर चीज़ यू नो आपको आराम से मिल जाती है, एक बिल्कुल नई दुनिया में जाना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन. इसके बगैर ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है. और दूसरी बात यह है बेटे, उस जमाने में बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था जी हमें जी जी कि ये हमारे रूलर्स थे। तो माय फादर सेड टू मी कि बेटे उनकी दौलत, उनके माल दौलत, ये जो देख के इम्प्रेस ना होना उनसे, वो हमारी तरह के लोग हैं, वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी की कमाई है जो वहां लगी हुई है। माई फादर टोल्ड मी जी जी दिस, बिल्कुल सही. ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मैंने कहा यार ये, मैं $20, तो मैं पहले दिन गया पिकाडली सर्कस, ठीक है। वहां पे मैंने देखा कि पिकाडली में, आई एम टॉकिंग ऑफ 1968-69, वो कुर्सियां रखी हुई थी उन्होंने पिकाडली की लेन्स में, और अंग्रेज ने बो टाई पहनी हुई, जबरदस्त काला सूट, जबरदस्त वो बूट पॉलिश करता था, ठीक है। और मेरे पास $20, मैंने कहा जी मैं बूट पॉलिश, मैं गोरे से बूट पॉलिश करूंगा। मैं बैठ गया, उसने मेरे बड़े इत्माम के साथ मेरे तस्मे खोले, मेरे शूज उतारे, मेरी जुराबें उतारी, उसने मेरे सामने बूट पॉलिश की। आई एंजॉयड इट थॉरली। तो मेरा वो जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी था ना, उसको मैंने किल कर दिया कि आई कुड। और उसने डेढ़ पाउंड मुझसे लिया उसने बूट पॉलिश करने का उस वक्त। तो मैं अपने हैंगअप्स जो थे ना, कमिंग फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री ऑफ ए मिडिल क्लास फैमिली, मैंने सारे अपने हैंगअप्स, आई सेड आई मस्ट डिस्पोज देम ऑफ, उनको दफन कर दूं। तो बूट पॉलिश करवा लिए साहब से, और करके फिर मैं, देन आई लिव्ड विद ग्रेट, बड़ी बड़ी मेहनत की, मतलब पागलपन की हद तक। आई फर्स्ट अपियर्ड, उनके अब्बा जी की डिमांड थी तुम एमआरसीपी कर। तो तीन कॉलेजेस होते थे, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ लंदन, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ एडिनबरा एंड रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ ग्लासगो। मैंने कहा यार अब्बा जी ने मुझे हुक्म किया था, मैंने कहा था मैं करूँगा। मैंने कोई सिर्फ जॉब, हाउस जॉब किया हुआ था लाहौर में, मेयो अस्पताल में, दिल्ली वार्ड में, विद प्रोफेसर सरदार अली शेख साहब, वो बहुत बड़े सर्जन थे। और मैंने कहा इम्तहान तो दे दूँ तीनों कॉलेजों में, शायद किसी न किसी में पास हो जाऊँ। तीनों कॉलेजों में मैंने अप्लाई कर दिया, लंदन, एडिनबरा, ग्लासगो। जी रिजल्ट आ गए विद इन 3 वीक्स, पासिंग इन ऑल द थ्री। माशाल्लाह माशाल्लाह. तो आई गॉट ट्रिपल एमआरसीपीए, जो कि मेरा करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो साइकाइट्री करना चाहता। तो मैंने तीनों के ना रिजल्ट कार्ड, लेटर जो होता था, उसको लिफाफे में डाला, अपने वालदैन को भेज दिया। बड़े खुश हुए,
साथ मैंने एक नोट लिखा कि अब्बा जी ये मैंने, आपने मुझे कहा था MRTP करो, मैंने तीनों कॉलेजों की कर ली, अब मुझे इजाज़त दें कि मैं वो कर लूँ जो मैं करना चाहता हूँ, जिसका मैंने 6 साल की उम्र में वादा किया था अल्लाह से। तो ही सेड ओके, तुम करना चाहते हो तो कर लो, अब हाँ तुमने, देन आई सेड कि आई फाउंड माई मैक्का। सो साइकेट्री वॉज मैक्का फॉर मी एट दैट टाइम। और मैं क्योंकि हमने आपका बड़ा वक्त ले लिया डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर एक एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने मुझे बताया था कि आप पहली दफ़ा जब ये सब कुछ करके जब आप पाकिस्तान वापस आए और आपने जो आपकी पहली जॉब थी वहाँ पे, जब आपने पूछा कि साइकियाट्रिक वार्ड किधर है, मुझे पता है जी, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछ लिया यार। यू आर एन ऑसम ब्रिलियंट वेरी मैन, वेरी काइंड ऑफ यू। तू तू ठीक ठीक निशाने लगाता नहीं है। ये क्योंकि ये अगेन मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो भी बड़ी अच्छा हिम्मत का मैं काम। आया ना जी, अच्छा फिर मैं अब तुम्हें एक जाती बात भी बता दूं। देखो मैं आई वॉज रेज्ड विद ए सर्टन वैल्यू सिस्टम। जी हमारा वैल्यू सिस्टम ऐसा ही वैल्यू सिस्टम था जैसे तुम्हारे दादा का था। एंड माई फादर एंड योर दादा वर वेरी क्लोज। अब्बा जी इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, रोजाना दोपहर को संगे मील आ जाते थे और वो नेमत कदा से खाना आता था, ठीक है। अब मुझे कहते थे, मैं भी सेंट्रल मॉडल स्कूल से निकल के बाटी दरवाज़ा आके संगे मील बिल्कुल आता सही। था, वहाँ अब्बा जी भी आते थे, नेमत कदा से खाना खाया करते थे। तो फिर तो वो तो मुझे कहाँ से कहाँ तक ले गए। तो मैंने आके जब लाहौर में देखा, जब आई सॉ केम बैक इन 72 73, मैंने कहा यार लाहौर तो अब वो माहौल नहीं रहा। मेरी तो मंगनी कर दी थी बगैर मेरे से पूछे, बगैर मुझे लड़की को दिखाए, और वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ तो मैं अपने इन लॉज के घर गया। मेरे फादर इन लॉ वॉज ए ग्रेट मैन, ही वॉज, उन्होंने दुनिया में, अगर मैं हम्बली क्लेम कर सकूं कि आई हैव मेड सम कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेंटल हेल्थ एंड साइकाइट्री, माई फादर इन लॉ मेड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा डॉक्टर माशाल्लाह। एहसान साहब गुलाब देवी अस्पताल के MS थे, ही वॉज माई फादर इन लॉ, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, बहुत नेक आदमी। तो वो जब मैं लाहौर आया तो मैंने देखा कि रोजाना पार्टी, रोजाना पार्टी, रोजाना खाने, रोजाना। मैंने कहा यार मैंने तो यहाँ, मैं तो आई वॉन्ट टू डू सम वर्क, आई वॉन्ट टू रेज, आई वॉन्ट टू हैव प्लेंटी ऑफ चिल्ड्रन। आई डिड, आई न्यू दैट वेरी बिग इन द वेरी बिगिनिंग। तो मैंने तो उनको एजुकेट करना है, तो मैं तो लाहौर में ही रहूँगा, यहाँ तो मेला ही मेला है। तो मैंने कहा जी मैं पिंडी में जाऊँगा। पिंडी में आई एंडेड अप इन, उस वक्त जॉब एक ही था, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, अच्छा CGH उसको कहते थे, मड़ी रोड पे, जो अब रावलपिंडी जनरल जी जी अस्पताल, अब उसका नाम बेनजीर भुट्टो अस्पताल है, बिकॉज बेनजीर जी जी डाइड जी जी देयर। तो वहाँ पे मैं गया, इंग्लैंड से ट्रिपल MRCP FRC साइक करके बड़े आकड़ बिल्कुल के साथ गया। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब साढ़े को सकता, आप हमारे पास तो आपके लिए ना कोई दफ्तर है ना कोई स्टाफ है। मैंने कहा अच्छा। एक शेर मुझे याद आया, उसको मैंने फॉलो किया। वो शेर ये है, अगरचे मेरा गुलशन फिर से तूफानों की जद में है, अगरचे मेरा गुलशन फिर से तूफानों की जद में है, मेरा ईमान कामिल है, यहीं पौधे लगाता हूँ। वाह। मैंने कहा जी कि मैं तो, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, डॉक्टर नोबार साहब थे, मैंने कहा डॉक्टर साहब महीने से महीने आ जाया करो, तनख्वाह ले जाया करो, साढ़े को ना ताड़े लिए दफ्तर है ना कोई स्टाफ है। मैंने कहा नहीं,
मैं धोबी घाट के साथ दरख्त के नीचे मैंने कार्डबोर्ड बनाए हाथों से लिखे, नफसियाती इमराद, कामखाबी, भूख की कमी, गुस्सा, उस मरीज उर्दू में लिख के और एरोस डाल के कहा कि इस तरफ। कुर्सी मेज घर से ली और वहाँ बैठ के मैंने गर्मी में जुलाई के महीने में वहाँ साइकियाट्रिक क्लिनिक की इब्तदा की। और अब अगली दफ़ा जब आप आएंगे तो मैं आपको लेके जाऊँगा। इट इज़ नाउ एन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री इन रावलपिंडी। इट इज़ ए WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ इन 28 कंट्रीज ऑफ द रीजन। तो मैं दरख्त के नीचे बैठता था, मैंने काम शुरू किया। माशाल्लाह, आई थिंक दिस इज एंड वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग्स आई हैव हर्ड. मुझे याद है आपने जब मुझसे पहली दफ़ा भी ये बात शेयर की थी, उसके बाद आई रिमेम्बर जब आपकी बुक लॉन्च थी, तो आई हैड अ चांस टू रीड योर एंटायर बुक मीम बशर. तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने मुझे मुतासर किया था, क्योंकि इस तरह से अपने प्रिंसिपल्स के लिए स्टैंड लेना और उस रियलाइजेशन के लिए स्टैंड लेना जो कि आपको 6 साल की उम्र में हुई, मतलब आई पर्सनली थिंक कि दैट्स वेरी इंस्पायरिंग. तो दैट लीड्स बच्चे मी, गाना पाते हैं। नहीं बचकानी तो मैं नहीं कहूंगा डॉक्टर साहब, आई थिंक मेरे लिए शायद ये प्रेशर आई लव बीइंग ए चाइल्ड यार। कम अज कम बच्चे गाना बातों में मासूम मासूमियत तो होती है ना। पर कितना मुश्किल काम है कि आपने जो रियलाइज किया एट सच ए यंग एज, दैट शोज कंपैशन, दैट शोज एम्पथी, और फिर उस चीज को आगे लेके चलना. तो भाई अव्वल इश्क आखर इश्क, इश्क इज टू, डेफिनेशन इश्क की ये है, टू लूज योर सेल्फ एंड देन टू फाइंड योर सेल्फ इन सम पर्पस, कॉज और मिशन। ये है इश्क। बिल्कुल. और इश्क वो नहीं है जो औरतों के साथ होता है या आदमियों के साथ होता है। नहीं, पर मैं एक्चुअली डॉक्टर साहब, ये बड़ा आपने खूबसूरत बात कर दी, क्योंकि इससे मेरा जो अगला सवाल है ना, इसका बड़ा अच्छा रास्ता मिल गया है मुझे, जी कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और जिस चीज़ का आगाज़ हुआ, क्योंकि कंपैशन, एम्पथी इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड रही है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपका हाँ, साकाइटी मेरा फर्स्ट लव 6 साल की उम्र में। जिस बिल्कुल बिल्कुल और जिसमें आपने इंसानों की खिदमत करके उनके साथ इश्क किया, सो उससे इश्क, इश्क हकीकी की तरफ. ईमान सलामत हर कोई मांगदा, इश्क सलामत कोई हो, मंगन ईमान शर्मावन इश्कों, मेरे दिल नु गैरत आई हो, वाह जिस मंजिल ते इश्क पुचावे ईमान नु खबर न काई हो, मेरा इश्क सलामत रख मिया बाहू, मैं ईमानो दया दुआई इसकी हूँ, थोड़ी सी तशरीह. आशिक होमी ते इश्क कमावी, दिल रखी वांग पहाड़ा हो, लख लख बदियां हजार उलामे कर जानी बाग बहारा हूँ, मंसूर जे चुस्कुली देते तेरे वाकफ कुल असरारा हूँ, ते सजदों सर ना चुकूं बाहू, वाह पामे काफर कैन हजारा हूँ। वाह वाह हमने जिस चीज के साथ इश्क किया है उसके ऊपर जो लोगों ने मुझे कहा कि यार ये पागलों का डॉक्टर, अब मैंने इस वक्त मेरे मैं बड़े मेरे आंसू आ गए हैं बात करते हुए। ऑनेस्टली मेरे इस वक्त 11 शागिर्द प्रोफेसर हैं इंग्लैंड में, माशाल्लाह. इनको मैंने मुक्के मार मार के पढ़ाया, कोनियों से मारा। और अमेरिका में मेरे अपने 7 बच्चों में से 6 साइकाइट्री में जी हैं, जी जी माशाल्लाह. जो एक नहीं है वो कहती है अबू आपने मुझे, मैंने कहा बेटी आपको मैंने पूछा था, आपको नहीं, आप मैं तो बच्ची थी, आप मुझे मार कूट के डाल देते। एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। मेरा एक बेटा अभी जॉन हॉपकिंस में गया है जॉन हॉपकिंस में छोटा। गया है. एक से उस दिन गुफ्तगू हुई थी, हु इज़ फ्रॉम येल, वन ऑफ द हाँ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड. माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह. वुड यू लाइक टू टॉक टू माई डॉटर अबाउट मी? बिल्कुल, कहते हैं इफ शी इज़ अप फॉर इट, तो मैं तो डेफिनेटली उनसे पूछूंगा. अच्छा।
डर गई है, कहती है इट्स लाइव ऑन इट फेसबुक। इज इट इज. तो डॉक्टर साहब सॉरी, क्योंकि मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त ले चुका हूँ, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि नहीं, आई एम एंजॉइंग इट, नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल. लुकिंग लुकिंग एट द पास्ट। बस मैं बेटे थोड़ा सा दुखी इसलिए हूं कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द सिचुएशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आर लाइफ एंड लिविंग। हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब, पर आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। कुछ तो दुनिया की इनायात ने दिल तोड़ दिया और कुछ तलखी हयात हालात ने दिल तोड़ दिया। हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब, पर आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ वाह दिया। आई माई ओनली रिग्रेट इज आई वॉन्टेड टू गो फ्रॉम द वर्ल्ड विद ए बेटर पाकिस्तान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, आई विल सी बेटर डेज, दैट्स द होप. जिस तरह आपने कहा शुरू में कि ये जो झटका है ये डेफिनेटली लोगों को एहसास दिलाएगा, और इसलिए इसलिए आई वांटेड टू टॉक टू यू बिकॉज आपकी जो लाइफ स्टोरी है उसमें मुझे हमेशा से ये लगा कि जैसे इश्क हकीकी तक पहुंचने का एक रास्ता, कई रास्ते हो सकते हैं बेशक, वो तो अल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन खिदमत खल्क एक हाँ रास्ता हो सकता है आशिक ना. भाई, मैंने आपको पढ़ाया ना कि आशिक मतलब इश्क से काम, इश्क के बगैर कोई चीज नहीं। इश्क तुम्हें, अब संगे मीर के साथ इश्क होगा तो तुम कुछ करोगे। अगर तुम काम करोगे, अगर तुम ड्यूटी करोगे, अगर तुम ईमान पूरा करोगे, हाँ वो कही ईमान सलामत हर कोई मांगदा, इश्क सलामत कोई हो। इसका मतलब डॉक्टर साहब, कि हम सब लोग बड़े ईमानदार होना चाहते हैं, नमाज रोजे ये वो, लेकिन जो इश्क है ना वो बनी नोए इंसान, उसकी खिदमत का नाम है इश्क। तो ईमान सलामत हर कोई मंगदा, इश्क सलामत कोई हो। मंगन ईमान शर्मावन इश्कों, मेरे दिल नू गैरत आई हूँ। जिस मंजिल ते इश्क पुचावे, ईमान नू खबर ना काई हूँ। मेरा इश्क सलामत रख मियाँ बाहू, मैं ईमानों दया दुहाई हूँ। वाह. तो क्या एक लेकिन मिनट, आपका मतलब यही है कि क्या कि इश्क का रास्ता खिदमत खल्क से ही होके जाता है? बिल्कुल, जिसमें खिदमत खल्क नहीं वो इश्क नहीं है। इश्क इश्क जो है ना, ये एक आप मुझे रुला ना दे ना इश्क को याद करते करते। नहीं, मेरा मकसद वो नहीं तो है, आपने लेकिन सुना थाने खान का यार डैडी, जी 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 बिल्कुल, इश्क लगाई है हाँ जी बिल्कुल. सानू लग गई बेपरवाही, सीने दे अंदर छुपाई है। मतलब ये मैं मेरी 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 जिंदगी में जो भी अल्लाह ताला ने मुझे मर्तबे दिए हैं, मैं इनको डिजर्व तो नहीं करता। नहीं, डॉक्टर साहब मतलब आपकी जो आई वॉज कंट्रीब्यूशन द है, फर्स्ट वन टू गेट हिलाल इम्तियाज, फर्स्ट डॉक्टर इन द कंट्री टू गेट हिलाल इम्तियाज। मैं तो ना मैंने अप्लाई किया, ना मैंने डिजायर किया, ना मेरी कोई सिफारिश थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा था, पागलों का डॉक्टर था लोगों की जुबान में। हिलाल इम्तियाज उठा के दे दिया, बड़े बड़े सर्जन्स प्रोफेसर बने हुए हैं। एक सवाल पूछूं डॉक्टर साहब? तब तुम्हारा कर्म है आका के माशाल्लाह, बात अब तक बनी हुई है। बेशक बेशक. हाँ सवाल पूछें। अच्छा, हमारी अभी तक जो गुफ्तगू हुई उसमें मुझसे मैं तो बार बार समझने की ही कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा, इश्क का जो रास्ता है खिदमत खल्क से जा रहा है, और अगर इस चीज़ को मैं हमारी पिछली बात से कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, मुर्शिद की तलाश की, हाँ तो वुड इट बी फेयर टू से कि समटाइम्स कि आप जब मुर्शिद को ढूंढने का सफर शुरू करते हैं तब मुर्शिद भी आपको ढूंढने का सफर शुरू कर देता है? एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली यू आर एब्सोल्यूटली राइट।
ये मुर्शदियत जो है ना, ये ऊपर से इनायत होती है। यहाँ बड़े झूठे पीरो मुर्शद, मुर्शद वो होता है जो देने वाला होता है, लेने वाला मुर्शद कभी नहीं हो सकता। आजकल की जो मुर्शदियत है उसमें तो नजर नजराने हैं। मुर्शद वो बंदा जो लेने वाला है वो मुर्शद नहीं हो सकता, देने वाला मुर्शद है। तो मतलब इट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर यू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, बिकॉज जो हमने जिस चीज़ से आगाज़ किया था आज हमारी गुफ्तगू का वाज ऑब्वियसली कि द वर्ल्ड इज़ इन अ क्राइसिस राइट नाउ, अ क्राइसिस ऑफ रिसोर्सेज, अ क्राइसिस ऑफ फेथ परहैप्स, क्राइसिस ऑफ सिंसेरिटी, खलूस, क्राइसिस ऑफ बिल्कुल केयर फॉर मैनकाइंड। हम बिल्कुल पत्थर दिल हो गए हैं। अल्लाह मियाँ ने तभी झटका झटका दिया है। तो अगर मैं अगर ये हम भी, दिस माइट बी द लास्ट वार्निंग, दिस माइट बी द लास्ट वार्निंग टू अस एज ए कंट्री, आई टेल यू। तो लेकिन हम बाहर नहीं आएंगे। नहीं, तो मेरा सवाल डॉक्टर साहब इस पे ये है कि क्या क्या अगर अगर मैं इस आपकी जितनी भी अब तक गुफ्तगू है उसको अगर इस तरह से इंटरप्रेट करूं कि वन ऑफ द पॉसिबल वेज टू डील विद द करंट क्राइसिस, एक तो आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि इस सॉलिट्यूड को, इस आलमे हु को, वो साइलेंस जो इंसान को काटने को दौड़े उसकी बजाय उस साइलेंस में तब्दील करना है जिसमें इंसान रिफ्लेक्ट करे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये क्या बिल्कुल ठीक, ठीक हो गया? और दूसरा बिल्कुल ठीक, खिदमत खल्क के ऊपर फोकस करना है बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। हाँ। और मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, ये कैसे हो सकता? के दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, के दाना खाक में मिलकर गुरो गुलजार होता है। वाह, पहले मिट्टी में मिलता है, फिर गुरो गुलजार बनता है। तो इंसान अपनी हस्ती को कैसे मिटा सकता है डॉक्टर साहब? बस मैं को खत्म करो, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैं जहाद है, इसको कहते हैं जहादुन नफ्स, इसको जहादुन नफ्स कहते हैं। अपने नफ्स के साथ लड़ना, नफ्स को शट अप कॉल देनी, और जब वो बहुत ढीठ चीज है, नफ्स बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी बच्चा है, उस पर काबू करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपने तलवारें निकाल लें, नियाम तैयार रखें, मर जाता है फिर आखिर में, फिर वो कहीं और ले जाता है। आई मीन यू बीन टू माई हाउस, अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया का सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन मेरे लिए इट इज नथिंग। मैं तो एक इतनी चपाती खाता हूँ सूखी हुई, और फ्रूट खाता हूँ, बस बात खत्म। बट आई एम एट द एंड ऑफ इट, आई एम बिकमिंग टीयरफुल थिंकिंग अबाउट द प्रेडिकमेंट एंड करंट सिचुएशन एंड द फ्यूचर ऑफ माई कंट्री। आई एम रियली वेरी अपसेट। ऑलरेडी आई हैव सीन पाकिस्तान टियरिंग इन टू टू पार्ट्स, और इन 1971 आई वॉज इन इंग्लैंड, जी, और जब बीबीसी ने दिखाया और साथ खबर चल रही थी कि लाहौर हैज बीन ऑक्यूपाइड बाई इंडियंस, आई क्राइड सो मच कि मैं जाके बिस्तर पे लेट के तकिया मेरा ऊपर से मैं रोया इतना कि बिस्तर की चादर गीली हो गई तकिए से सोकर। तो कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमने इसको तोड़ दिया, उसके बावजूद हमने कुछ नहीं सीखा। वी आर लिविंग फॉर आवर सेल्व्स, वी हैव फॉरगॉटन। अल्लाह ने ऐसे नहीं बंदे पैदा कर दिए, उसने हर बंदे को एक मिशन दे के भेजा है।
एक ड्यूटी लगी। अब तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है, पता नहीं तुम कैसे निभा रहे हो। अब ये मैं इसलिए तो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ये अंकल जी, लूट है। समझने के लिए। हाँ बस यार, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो। इसको याद कर वाह लो कि मैं कुछ नहीं हूं। दाना जो है ना, जब तक मिट्टी में ना रहे, वो उससे निकलता कुछ नहीं है, फूटता नहीं है, कुछ उगता कुछ नहीं है। सही, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आई अपनी मीन हस्ती को दिस, मिटा, ये इसको जहादुल नफ्स कहते हैं। ये बहुत जबरदस्त जहाद है, लेकिन कुश्ती चल रही होती है नफ्स की और इंसान की। फिर या फिर आप नफ्स को जितवा दें या खुद जीत जाएं। हम तो नहीं, नफ्स से मार कुट के ऐसी निकल आए हैं। डॉक्टर साहब आपका मैंने बहुत वक्त लिया है, तो आखिर में अगर कोई आई वुड पैगाम। वॉन्ट टू एक्सप्रेस, मैं आप लोगों के लिए, आपके लिए बहुत दुआ करता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं आपकी अंजुमन तहसीने बाहमी नहीं है कि मन तो रहा हाजी बगोम तू मैं मुला बगो, बट यू आर ए ग्रेट सोल इन द ईयर 2020 एट योर एज। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू डॉक्टर साहब। देर इज ए सिवियर दर्थ ऑफ गुड सोल, एंड एनी गुड सोल आई कम अक्रॉस आई लव दैट सोल। इट्स यू आर ए वेरी प्रेशियस मैन, वेरी 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 काइंड ऑफ यू डॉक्टर एंड साहब, आपकी मोहब्बत है। रिमेंबर, इसको इसको और फैलाओ। तुमने भी एक लड़ना है नफ्स के साथ, दुनिया के साथ, मुश्किलात के साथ, एंड मेक योर लाइफ वर्थ लिविंग। रिजॉल्व करो, इंशाल्लाह ताला लेकिन अपने आप को मिटाना पड़ता है। जी, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, बेशक कि बेशक। दाना खाक में बिलकर गुलो गुलजार होता है। जब तक आप गंदम का कोई फूल नहीं उगता, जब तक के वो जमीन के अंदर ना दफन किया जाए, उसमें मिलके फिर वो गुल भी बनता है, गुलजार भी बनता है, फ्रूट भी होते हैं। ताला तुम्हें खुश व खुर्रम रखे, सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे, थैंक यू डॉक्टर और साहब। और अल्लाह ताला तुम्हें साहिब औलाद करे। थैंक यू डॉक्टर मेरा साहब। आपको मैं एक तरह ऑफ द रिकॉर्ड, नहीं नहीं अभी अभी 1 मिनट डॉक्टर साहब, 1 मिनट। मैं उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमें इस वक्त कहीं कहीं लिसनर्स सुन रहे हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम प्लीज़। यही पैगाम है कि लव योर कंट्री एंड लव मैनकाइंड। अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं पैदा कर दिया, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है कि वो जो बड़ी पुराना बचपन में हम याद करते थे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना बेशक मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये मेरा मैसेज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आई एम वेरी अब ग्रेटफुल। आपसे कब प्राप्त रहेगा? मैं इंशाल्लाह जल्द ही रابطہ करूंगा डॉक्टर साहब, अगर इजाज़त हो तो ये मैं सेशन एंड कर दूं, ताकि हम कहते हैं इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को बाद में कंटिन्यू करें। मेरा सारे सामईन सुन रहे थे, उनको मैं बहुत मशकूर हूँ। मैं इस काबिल नहीं था नहीं जो मैं पता नहीं जुनू में क्या क्या बकता रहा हूँ, खुदा जाने। लेकिन थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बातें शुक्रिया। सच्ची सच्ची की हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कूलू कौलन सदीदा, बेशक जब बात किया करो तो सीधी सीधी बात किया करो। फर्स्ट थिंग दैट यू, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट यू टोल्ड मी, और जो कि मुझे अभी तक याद है। वेरी वेरी ग्रेटफुल डॉक्टर साहब, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल
Like everybody who was listening to us, inshallah, we'll try our best to continue this. Thank you so much. Allah Hafiz. I will be delighted to. You have to ask me. I'm totally sold on to you. Definitely, definitely, Dr. Sir. Ali, thank you you so are much. One of the most beautiful souls in year 2020. Thank you so much, Dr. Sir. Bahut shukriya. Okay. 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 Assalamu alaikum.